देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को आप किस प्रकार सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस पढ़िए। एक्सप्लेन ऑन द सी एफ टी या फिर H2O का हेक्सा 2+ इज पैरामैग्नेटिक वेयर एज, या फिर CN का हेक्सा 4- इज डायमैग्नेटिक। देखिए, क्वेश्चंस का ये मतलब है कि सी एफ टी के अकॉर्डिंग आप एक्सप्लेन करके बताइए कि या फिर H2O का हेक्सा 2+ आयन पैरामैग्नेटिक है, जबकि या फिर CN का हेक्सा 4- इज ये क्या है, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक को हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। तो ऐसे क्वेश्चंस को किस प्रकार सॉल्व करेंगे, तो चलिए मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, जो कॉम्प्लेक्स है या फिर H2O का हेक्सा 2+ आयन, इसमें जो आयरन है जो या फिर है वो 2+ आयन में है, यानी +2 स्टेट में है। अब क्यों है, कैसे है, यदि आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्स प्लस यहाँ पे H2O क्या हो जाएगा, 0 × 6 इजकल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, +2। तो आयरन किस स्टेट में है, +2 स्टेट में है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक स्टेट देखें तो, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो क्या होगा, देखिए नॉर्मल या फिर यानी आयरन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इस प्रकार होता है, 4H2 3D6 होता है। लेकिन अगर +2 चार्ज की अगर हम बात करें, इस एटम की अगर बात करें आयन्स की, तो या फिर 2+ आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट होगा या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, 4S0 हो जाएगा, क्योंकि ये छोटा सबसेल है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिमूव हो जाएगा इजीली, और यहाँ पे 3D6 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू, अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए अकॉर्डिंग टू सी एफ टी। अकॉर्डिंग टू सी एफ टी 5D जनरेट ऑर्बिटल्स उपस्थित होते हैं, क्यों, क्योंकि ये डी ऑर्बिटल्स का एलिमेंट है और सी एफ टी डी ब्लॉक के एलिमेंट पे ही लागू होती है, आपको पता ही होगा, 1, 2, 3, 4। चलिए देखिए, 5D जनरेट ऑर्बिटल है, डेट इज हम कह सकते हैं सेम एनर्जी। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू सी एफ टी के अकॉर्डिंग 5D जनरेट ऑर्बिटल जो होते हैं 2 ऑर्बिटल में डिवाइड होते हैं, T2G और EG। इसको बोलते हैं T2G, इसको बोलते हैं EG ऑर्बिटल, इसको T2G ऑर्बिटल। इन दोनों के बीच का जो पॉइंट होता है, जो सेंटर होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बैरी सेंटर, बैरी सेंटर बोलते हैं, ठीक है। देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल है कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अकॉर्डिंग टू हुंड के नियमानुसार आप क्या करिए, इसको फिल कर दीजिए 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे एक सी एफ टी के अकॉर्डिंग T2G में और EG में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब इस 6 इलेक्ट्रॉन इसमें इंटर करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि लिगेंड कौन सा है, वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं H2O है ना, तो H2O EGA वीक फील्ड लिगेंड है, जो H2O होता है वीक फील्ड लिगेंड या वीक लिगेंड फील्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। देखिए, जब वीक फील्ड लिगेंड रहेगा तो ऑर्बिटलों के मध्य यानी EG ऑर्बिटल्स और T2G ऑर्बिटल्स की मध्य जो गैपिंग होगी, ठीक है, जो गैपिंग होगी वो बहुत कम होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू हुंड ला हुंड के नियमानुसार इलेक्ट्रॉन को हम इंटर कराते हैं। तो भरिए इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3,
5। अब देखिए 5 इलेक्ट्रॉन एंटर कर दिए, अब और भी इलेक्ट्रॉन यदि रहेंगे यानी छठवां इलेक्ट्रॉन है अभी, तो हम क्या करेंगे T2g में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। जब इलेक्ट्रॉन ये फिल हो जाएगा पूरी तरह से, फिर यदि इलेक्ट्रॉन अगर शेष बचता है तो हम ई जी ऑर्बिटल में इंटर कराएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये बोला है कि एफ आई एच टू हेक्सा 2+ आयन ये पैरा मैग्नेटिक है, तो कैसे है क्यों, क्योंकि ई जी और T2g में देखिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, क्योंकि हम पैरा मैग्नेटिक उसे कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 4 है, इसलिए क्या है पैरा मैग्नेटिक है। ठीक है, चलिए अब हम इस कंपाउंड को देखते हैं, FeCN का हेक्सा 4-। देखिए यहाँ पे अगर हम FE की बात करें तो FE 2+ चार्ज है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे X प्लस जो साइनाइड होता है -1 स्टेट में होता है, तो -1 × 6 इजकल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा -4, तो X इजकल टू -4। अब देखिए -6 होगा उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसलिए X बराबर क्या आ जाएगा +2। अब देखिए ये फिर 2+ स्टेट है, इसलिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट हो जाएगा इस प्रकार से हो जाएगा 4s0 और 3d6 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू CFT। 5d जनरेट ऑर्बिटल डिवाइडेड इनटू 2 ऑर्बिटल डेट इज T2g एंड EG ऑर्बिटल। ठीक है, नाम है आपको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा DX DY DX Y DY Z DX Z DZ स्क्वायर DX स्क्वायर -Y स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखिए 6 इलेक्ट्रॉन, अब देखिए 6 इलेक्ट्रॉन को T2g और EG ऑर्बिटल में इंटर करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि लिगेंड कौन सा, वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। तो जो साइनाइड होता है क्या होता है, ये मैक्सिमम पाई बॉन्ड परफॉर्म करता है, इसलिए क्या है साइनाइड इज स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होता है, तो जो CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो होती है इज ग्रेटर होती है देन किसकी अपेक्षा, पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी। चलिए हम सिंबल लिख देते हैं इसकी, पेयरिंग एनर्जी से क्या होता है अधिक होता है, इसमें क्या होता है लो होता है। ठीक है, इसमें पेयरिंग एनर्जी अधिक होती है, इसमें क्या होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है ग्रेटर होती है देन किसके अपेक्षा पेयरिंग के। अब देखिए पेयरिंग इसलिए होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा गैपिंग हो जाता है जब स्ट्रांग फील्ड लिगेंड जुड़ा होता है, तो इसको बोलते हैं बैरी सेंटर। ठीक है, अब 6 इलेक्ट्रॉन को देखिए इस प्रकार से भरेंगे, इसमें हुंड का नियम फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की कंडीशन में देखिए हुंड रूल फॉलो नहीं होगा, फॉर किसके लिए स्ट्रांग फील्ड लिगेंड के लिए, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड के लिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए 6 इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे इसी में हम क्या करेंगे पेयरिंग करा देंगे। देखिए सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो गए पेयर्ड हो गए, देखिए सभी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे पेयर्ड हो गए। तो देखिए जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं पैरा मैग्नेटिक बोलते हैं, मैग्नेटिक बोलते हैं यानी प्रतिचुंबकीय बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं सॉरी, जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब 0 होती है तो उसको हम डाई मैग्नेटिक बोलते हैं, डाया मैग्नेटिक बोलते हैं। ठीक है, और पैरा मैग्नेटिक को हम अनुचुंबकीय बोलते हैं। तो देखिए एक्सप्लेन कुछ इस प्रकार से आपके सामने है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा, यदि कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।